हाय एवरीवन, वेलकम टू फर्स्ट इन्वेस्टमेंट एंड माय नेम इज शिवांश मसीन। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि कल कौन से स्टॉक्स पे ट्रेड कर सकते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी का क्या सेटअप रह सकता है। थोड़ी अगर आज की मार्केट की हम लोग बात करें तो मैंने कल वीडियो इसलिए नहीं बनाई थी क्योंकि मुझे पता था आज की मार्केट एक इनडिसाइसिव हो सकती है, एक इनसाइड कैंडल बन सकती है, क्योंकि हम लोगों ने ट्यूजडे के सेशन पे हम लोगों ने एक हेवी सेल ऑफ आते हुए देखने को मिला था। सो आज एक्सपायरी थे तो मुझे लग रहा था कि मार्केट साइडवेज रह सकती है और पूरे दिन ऐसा ही हुआ एंड आखिरी में हम लोगों ने एक अप ट्रेंड मार्केट के अंदर आते हुए देखा। बट क्या अभी भी एक पॉजिटिव साइन आ चुका है? क्या निफ्टी और बैंक निफ्टी को कंपेयर करें तो कौन सा स्ट्रांग है? तो सारी बातें करेंगे इस वीडियो के अंदर, प्लस 5 स्टॉक्स की बात करेंगे जिसमें से कुछ स्विंग ट्रेड्स होंगे एंड कुछ इंट्राडे के ट्रेड्स होंगे। तो सारी बातें करेंगे इस वीडियो के अंदर, लेट्स स्टार्ट। एंड गाइस, एक इंपॉर्टेंट चीज और, मैं इंस्टाग्राम पे भी आप लोगों के लिए डेली बेसिस पे डालता हूं स्टॉक्स, जो अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो वहां पर हमें भी फॉलो करके चल सकते हैं डेफिनेटली। प्लस मैं कल आप लोगों के सामने लाइव आने वाला हूँ यूट्यूब पे अराउंड 8:40 AM पे। सो 8:40 AM पे मैं लाइव आऊंगा एंड आप लोगों के साथ पूरा डिस्कशन करा जाएगा कि मार्केट का आगे का फ्यूचर क्या है। सो आप लोग प्लीज यहाँ पर एक्टिव रहिएगा, मैं यूट्यूब का लाइव का लिंक अपलोड कर दूंगा एंड वहां पर वेटिंग आ जाएगी। तो आप लोग कल सुबह 8:40 उठ जाइएगा तो मैं आप लोगों के लिए सारी की सारी डिटेल्ड एनालिसिस कर दूंगा, ठीक है? सो ये सारी चीजों को अपने माइंड में याद रखिएगा एंड लेट्स मूव टू आवर स्टॉक्स एनालिसिस। सो हम लोग अपने ट्रेडिंग सेटअप पे आ चुके हैं। सबसे पहला स्टॉक मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ, अजमेरा। अजमेरा रियलिटी आप लोगों को बाय करने की सलाह दी जा रही है। ये मैंने स्टॉक अपने मेक क्लाइंट्स को भी बाय ऑलरेडी करवा रखा है एंड दे आर स्टिल होल्डिंग। जो अभी भी मेरे साथ मेंबर जुड़े हुए हैं उन लोगों ने अभी भी स्टिल होल्ड करा हुआ है। सो ये स्टॉक अभी एक ब्रेकआउट दे चुका है, एक अच्छी क्लोजिंग देखने को मिल रही है एंड पैटर्न जो फॉर्म करा है एक बुलिश, एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म करा है ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम। अब आप देख रहे होंगे आप लोगों को स्टॉक के नाम के नीचे एक टी और SL दिख रहा होगा। सो मैंने आप लोगों के लिए क्लेरिफाई कर दिया, आप लोग बार बार मेरे से बोल रहे थे कि सर एक टारगेट एंड स्टॉप लॉस भी लिख दीजिए करिए, तो मैंने आप लोगों के सामने लिख दिया है। टारगेट इज 200 रुपीज, स्टॉप लॉस इज 140 रुपीज। बट अगर आप लोगों को समझना है तो वीडियो को स्किप मत करिएगा और समझिएगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं, क्योंकि अगर आप लोग एंट्री लेवल नहीं समझेंगे तो टारगेट और स्टॉप लॉस आपके लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं रह जाएगा, ठीक है? सो यहां पर आप देख सकते हैं क्लियर एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न था, उसका एक क्लियर ब्रेकआउट देखने को मिला एंड अ वीकली कंफर्मेशन हमें मिल चुका है। अब अगर हम बात करें तो टारगेट्स क्या हो सकते हैं, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि ब्रेकआउट कब आया। सो ऑलमोस्ट अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो 2 साल बाद जाके इसने एक ब्रेकआउट दिया है एक स्ट्रॉन्ग लेवल का, जो कि 150 रुपीज का था। 150 रुपीज पे ही एक मल्टीपल रेजिस्टेंस इसने क्रिएट करा एंड इवेंचुअली इसका एक ब्रेकआउट देखने को मिला। अब बात करते हैं टारगेट्स कैसे आइडेंटिफाई करें। सो टारगेट्स आइडेंटिफाई करें, यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट टाइम अगर आप लोग इधर साइड देखेंगे, इधर साइड ये देख रहे हैं ये सपोर्ट, जैसे ही ये सपोर्ट इधर साइड ब्रेक हुआ दैट बिकम रेजिस्टेंस हेयर एंड रेजिस्टेंस हेयर। सो ये एक रेड कलर की लाइन है जो कि हमारा एक टारगेट का एक्ट कर सकती है, जो कि 195 से लेके 200 रुपीज तक के लेवल्स आप लोगों को दिखा सकता है विद इन अ कपल ऑफ वीक्स, ठीक है? सो इस पर्टिकुलर स्टॉक को आप लोग अपनी वॉच लिस्ट के अंदर ऐड कर सकते हैं डेफिनेटली। और ये स्टॉक मेरे रेडार से चला गया था बट आज मेरे ही मेंबर ने मुझे मैसेज करा था कि सर इस स्टॉक ने 165 के लेवल को ब्रेक करा, सो आई थॉट ये स्टॉक आप लोगों को सजेस्ट करा जाए, ठीक है? हमारी बाइंग अराउंड 148 के आसपास या 145 के आसपास है, आप लोग इस स्टॉक को अभी भी बाय कर सकते हैं। और बट अगर कोई डिप भी आती है, कल फॉर एग्जाम्पल आज ये 10-11% बढ़ा है, सो अगर कल ये छोटा सा डिप भी देता है 3-4 रुपये का तो भी आप लोग बाय करके चल सकते हैं। स्टॉक अच्छा है, स्टॉप लॉस और टारगेट को मेंटेन करके रखेगा, रिजल्ट आपको अच्छा मिल सकता है स्टॉक के अंदर। सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्टॉक और देखते हैं किस तरीके से कर सकते हैं, दिस इज अ स्विंग ट्रेड। हमारा नेक्स्ट स्टॉक है LG ब्रॉस लिमिटेड। ये वाला स्टॉक में मैंने आप लोगों को अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर रिकमेंड करा था कि आप लोग इसे एक बाय करके चल सकते हैं, इट्स अ स्विंग ट्रेड। बट आज के ट्रेडिंग सेशन पे इसने अपना ब्रेकआउट दिया है और जो लेवल्स मैंने आप लोगों को बताए थे कि 15 मिनट की कैंडल 351 के ऊपर क्लोज होनी चाहिए, वो आज के ट्रेडिंग सेशन के अंदर हमें देखने को मिली है एंड अभी इसकी क्लोजिंग है, करंट प्राइस है 353 रुपीज। डेफिनेटली ये स्टॉक मोमेंटम पे है, अगर नहीं होता तो ये कल के ट्रेडिंग सेशन पे जिस तरीके से फॉल आई थी आज उसको कंटिन्यू करता, बट उसे रिकवर करा और अच्छे से ऊपर जाके क्लोजिंग करी है, दैट इज द सिग्नल कि ये स्टॉक एक अच्छी मोमेंटम दिखा सकता है। सेम गोज विद हेयर, यहां पर भी इसने इस पर्टिकुलर लेवल पे 24th of September 2018 इसने अराउंड June 2019 पे इसने एक ब्रेकडाउन दिया था। सेम गोज विद अजमेरा रियलिटी, उसने भी सेम टाइम पे एक लेवल का ब्रेकडाउन दिया, उसके बाद उसने एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया और इवेंचुअली 2 साल बाद जाके ब्रेकआउट दिया। यही वाले स्टॉक ने भी बिल्कुल सेम चीज करी है,
2019 पे ब्रेक डाउन करा जून के टाइम पे, एंड अब इसने एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म करा और आज के ट्रेडिंग सेशन पे इसने एक ब्रेकआउट दिया, यानी कि दो साल की कंसोलिडेशन का एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है। आई थिंक इट्स अ वेरी बुलिश साइन। यहाँ पर भी हम लोग बाय करके चल सकते हैं, 440 से 450 तक के लेवल्स हैं। स्टॉप लॉस आप लोगों को 320 का मेंटेन करके रखना है। 440 से 450 का लेवल आया कैसे आप लोगों को वही पता, जुमेरा में हम लोगों ने कैसे फाइंड करा था, दैट शुड बी द रेजिस्टेंस। यहाँ पर पहले सपोर्ट, ब्रेक होने के बाद दैट एक्ट एज अ मल्टीपल रेजिस्टेंस, तो दैट शुड बी आर टारगेट। सो ये भी एक स्विंग ट्रेड है, दो स्विंग ट्रेड प्रोवाइड करवा चुका हूँ। आई होप अगर आप लोगों को हमारी प्रेजेंटेशन एनालिसिस पसंद आ रही है तो आप हमें लाइक जरूर करेंगे इस वीडियो के अंदर, एंड लेट्स एम फॉर 1000 लाइक्स। अगर आप लोग 10,000 लोग इस वीडियो को देखते हैं, 10% तो लाइक कर ही सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्टॉक। हमारा थर्ड स्टॉक है सोलरा। सोलरा यानी कि सोलरा एक्टिव फार्मा, ये फार्मा सेक्टर की कंपनी है, एंड आई थिंक इट्स अ वेरी गुड स्टॉक टू बाय एट दिस पर्टिकुलर लेवल। ये स्टॉक अगर मैं आप लोगों को बताऊं, विद इन अ 2 months 50% का रिटर्न ऑलरेडी दे चुकी है। उसके बाद ये ऑलमोस्ट अगर मैं आप लोगों को बताऊं, 1-2 महीने से कंसोलिडेशन फेज पे है। अगर आप देख सकते हैं 2 महीने से कंसोलिडेशन फेज पे है, एक ट्रायंगल पैटर्न के अंदर ये आ चुका है, और इवेंचुअली जब दोनों लाइन कन्वर्ज हुई, अंदर एक जगह या स्पेस नहीं बची, तो इसने आज के ट्रेडिंग सेशन पे एक ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद अब मुझे लग रहा है कि एक अच्छी बाइंग इसके अंदर देखने को मिल सकती है, बट एक छोटा सा हर्डल है। ये पर्टिकुलर स्टॉक मैंने पर्सनली बाय करा हुआ है, आज के ट्रेडिंग सेशन में मैंने बाय करा था एज अ BTS थी। मुझे लगता है कल के कल या फिर 2 दिन के अंदर इसके टारगेट्स आ सकते हैं, अच्छे लेवल्स आ सकते हैं, बट यहाँ पर मैंने थोड़ा सा जल्दी से बाय कर लिया है गाइस। सो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, अगर आप लोग चांस ना मिस कर पाएं। आप देख सकते हैं ये ट्राइंगल है, जो ब्लू कलर के सर्कल्स हैं दैट एक्ट एज अ सपोर्ट, पर्पल कलर के जो सर्कल्स हैं दैट एक्ट एज अ रेजिस्टेंस। सो ये मल्टीपल एक ट्रेंड लाइन आ रही है, रेजिस्टेंस की ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट इसने अराउंड 1215 पे दिया था। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि 115 तक इसने एक ब्रेकडाउन करा, सॉरी एक रीटेस्ट करा, दोबारा ऊपर गया, एंड इसने दोबारा रीटेस्ट करा, यानी कि एक रेंज के अंदर चला गया। ये जब एक रेंज के अंदर स्टॉक चले जाता है तो उसके ब्रेकआउट पे ही हमें ट्रेड करना चाहिए। सो यहाँ पर हुआ क्या, अगर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, देख सकते हैं दिस इज द सपोर्ट। अब आप लोगों को एक ये ब्लू कलर का जोन दिख रहा होगा, ये ब्लू कलर का जोन क्यों बनाया गया, आप देख सकते हैं यहाँ पर सपोर्ट, इधर सपोर्ट, इधर सपोर्ट, जब ब्लू कलर का जोन ब्रेक हुआ दैट एक्ट एज अ रेजिस्टेंस, यहाँ रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ, नीचे आया एंड दोबारा ऊपर गया, दोबारा नीचे एंड दोबारा ऊपर गया। सो यहाँ पर इसने एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न को क्रिएट करा है। अभी तो मैंने 1 आवर का टाइम फ्रेम ओपन करा हुआ है, बट अगर मैं जैसे ही इसको 30 मिनट या 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे लेकर जाऊँगा, यहाँ पर एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है। सो इसके ब्रेकआउट पे बाय करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारी जो करंट लेवल्स में बाइंग है वो है अराउंड 1741 जिसपे क्लोज हुआ है, ठीक है। आप लोगों को बाय कब करना है, जब 1746 के ऊपर जाएगा, जैसे ही 1746 के ऊपर जाना स्टार्ट होगा यू कैन गो फॉर अ बाय। हमारे जो टारगेट्स होंगे 1780 से लेके टारगेट्स होंगे, एंड हमारा जो स्टॉप लॉस होगा 1723 का होगा, ठीक है। 1723 का हमारा स्टॉप लॉस है एंड 1780 का हमारा टारगेट है। तो इस पर्टिकुलर स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट के अंदर रख सकते हैं। आई थिंक ये कल के कल टारगेट्स अचीव कर सकता है या 2 दिन के अंदर डेफिनेटली कर सकता है। स्टॉक अपनी वॉच लिस्ट के अंदर जरूर रखेगा। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्टॉक। सो हमारा नेक्स्ट स्टॉक है टोरेंट फार्मा। टोरेंट फार्मा में आप लोगों को बाय करने की सलाह दी जा रही है। यहाँ पर आप लोगों को 2 टारगेट्स देख रहे होंगे, 2880 का और 2960 का। सो दोनों फार टारगेट्स हैं। सो यहाँ पर जो पहला टारगेट है वो इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए है, और जो दूसरा टारगेट है वो एक एज अ स्विंग ट्रेडिंग के लिए है। स्विंग ट्रेडिंग भी ज़्यादा टाइम नहीं, विद इन 3 डेज के अंदर आई थिंक ये टारगेट अचीव हो सकता है। तो स्टॉक को पहले समझिए, उसके बाद ट्रेडिंग करिए, ठीक है। स्टॉप लॉस भी आप लोग नोट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये कंटिन्यूसली एक चैनल के अंदर काम कर रहा था फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो इस बात को भी 1 साल होने वाला है कि एक ये चैनल के अंदर टोरेंट फार्मा काम कर रहा था। इसने एक क्लियर अप ट्रेंड, जितने भी फार्मा सेक्टर्स हैं उन्होंने क्लियर अप ट्रेंड दिया है। इस पर्टिकुलर स्टॉक ने कोई अप ट्रेंड नहीं दिया अभी तक, और एक कंटिन्यूसली रेंज के अंदर डेवलप है। रेंज का ब्रेकआउट आज के ट्रेडिंग सेशन पर हमें क्लियर देखने को मिला है। अगर मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ, आप देखिएगा रेंज का ब्रेकआउट इसने दिया था ऑलमोस्ट 1 जून को। ब्रेकआउट देने के बाद हम लोगों ने बाय नहीं करा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल ये ब्लू कलर की लाइन देख रहे हैं दैट एक्ट एज अ रेजिस्टेंस। जब ब्रेकआउट दिया तो उसके एग्जैक्ट 50 रुपये या 20 रुपये ऊपर ही एक रेजिस्टेंस था, तो हमें बाय नहीं करना था। इसने अब जब ब्रेकआउट दिया था अराउंड 4 जून को, तो 4 जून पे फिर हम लोगों ने एक ट्रेड लिया था, और ये वाली कैंडल की मूवमेंट हमने और हमारे क्लाइंट्स ने इस पर कैप्चर करी थी। बट अब ये दोबारा रेडार पे आ रहा है, और आई थिंक यहाँ से एक अच्छी मूवमेंट आ सकती है। अब देख सकते हैं आफ्टर अ लॉन्ग कंसोलिडेशन, 1 साल के कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट दिया, प्लस
आप देख सकते हैं एक शार्प अपमूव आई, शार्प अपमूव आने के बाद ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अगर मैं आप लोगों को बताऊं एक महीना कंसोलिडेट करा है, एक महीना कंसोलिडेट एक रेंज के अंदर आए, तो यानी कि इस पे एक बुलिश फ्लैग पैटर्न बना है, एक बुलिश फ्लैग पैटर्न का एक क्लियर ब्रेकआउट, ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट, रीटेस्ट के बाद दोबारा अपमूव। इट्स अ क्लियर सिग्नल कि जब दो पैटर्न्स बता रहे हैं आफ्टर अ लॉन्ग कंसोलिडेशन एक क्लियर ब्रेकआउट दिख रहा है, ये स्टॉक अच्छे लेवल्स तक जा सकता है। सो इस पर्टिकुलर स्टॉक पे आप लोग अपनी वॉच लिस्ट बना के रख सकते हैं, ये स्टॉक आप लोगों को अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। अब बात करते हैं टारगेट्स कैसे फाइंड करे गए। सो जब इसका ब्रेकआउट दिया तो ये प्रीवियस स्विंग हाई है, दैट शुड बी आर टारगेट। इसके अलावा अगर मैं आप लोगों को बताऊं, सो दिस शुड बी आर टारगेट, लेट मी शो यू, ठीक है, दिस शुड बी आर टारगेट, जस्ट गिव मी अ सेकंड, या ये हमारा दोबारा टारगेट होगा, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे 1960 मैंने टारगेट बताया, बट ये 1929.80 है, तो मैं 20 रुपये इसलिए कम बता रहा हूँ बिकॉज अगर ये स्टॉक ज़्यादा बुलिश नहीं रहा तो अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं कर पाएगा और उससे थोड़ी से पहले ही नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा, तो सेफ कॉशियस के लिए मैंने 2960 का लेवल सजेस्ट करा है। बट आप लोग डिब्बी इस पर एक बाइंग बना के चल सकते हैं, क्रूशियल लेवल जो है वो 2880 रुपीज़ का है, तो अगर आप लोग एक इंट्राडे ट्रेडर है तो मैं सजेस्ट करूँगा यहाँ पर डेफिनेटली प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, ठीक है, बिकॉज ये एक मल्टीपल रेजिस्टेंस है। मैं थोड़ा सा अगर लाइन को एक्सटेंड करके दिखाऊंगा आप लोगों को, आपको पता चल जाएगा, सी ये एक मल्टीपल रेजिस्टेंस है, सो यहाँ पर एक हेवी सेलिंग भी आ सकती है, नॉट सेलिंग, एक छोटा सा दोबारा डिप दे सकता है। सो अगर आप लोग डिप नहीं चाहते हैं तो 2880 पे एग्जिट कर सकते हैं, जो कि प्रॉबेबली कल आ जाएगा, वरना आप लोग 2960 तक के लिए भी वेट कर सकते हैं। स्टॉक का नाम है टोरेंट फार्मा, ठीक है, लेट्स मूव टू आवर लास्ट स्टॉक और देखते हैं वो कैसा परफॉर्म कर सकता है। सो गाइज हमारा लास्ट स्टॉक है जुबिलेंट फूडवर्क्स। जुबिलेंट फूडवर्क्स पे आप लोगों को बाय करने की सलाह दी जा रही है। अगर हम यहाँ पर इस पर पैटर्न को समझने की करोगे कोशिश, तो यहाँ पर एक पैटर्न बना, अगर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, रेड कलर की लाइन दिख रही है, रेड कलर की लाइन से एक फॉल आया, उसके बाद एक बेस क्रिएट हुआ, उसके बाद एक रैली आई, तो इस पैटर्न को हम लोग कहते हैं ड्रॉप बेस एंड रैली, ड्रॉप बेस रैली होती है, तो यहाँ पर एक ये रिवर्सल पैटर्न होता है। जब ये पैटर्न बनता है, जब हम ये साइकोलॉजी को समझते हैं, इट्स नॉट अ पैटर्न, इट्स अ साइकोलॉजी, जब ये साइकोलॉजी फॉर्म्ड होती है तो हम लोग पास्ट को देखते हैं, इससे पहले हुआ क्या, ट्रेंड क्या है एक्चुअल पे, तो जब हम लोग ट्रेंड को स्टडी करते हैं तो हमें पता चल रहा है कि ट्रेंड एक बुलिश है, ठीक है। तो जब ड्रॉप बेस रैली बनती है तो यानी कि रिवर्सल तो है नहीं, ये कंटिन्यूएशन ही है, तो जब कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है तो अपने प्रीवियस हाईस को ब्रेक करके एक अच्छे लेवल्स तक ये जाता है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर स्टॉक को डेफिनेटली बाय कर सकते हैं, करंट प्राइस है इसका 3207 रुपीज़ का, अगर छोटा सा एक कल डिप भी देता है मतलब 2-3 रुपए का, तो बाय भी कर सकते हैं, इसका स्टॉप लॉस होगा 2188 रुपीज़ का एंड टारगेट होगा 3240 रुपीज़ का, सॉरी गाइस 2188 का इसका स्टॉप लॉस नहीं होगा, 3188 का होगा, ठीक है, मैं दोबारा आप क्लिक कर देता हूँ, 3188 का आपका स्टॉप लॉस है एंड 3240 का आपका टारगेट होगा। सो ये भी एक BTST ट्रेड है, नॉट एज अ BTST के लिए, इंट्राडे के लिए ट्रेड है, डेफिनेटली इस पर एक बाइंग बना के चल सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ अगर मैं आप लोगों को बताऊं, ये देख रहे हैं एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी यहाँ पर बना है एंड इसका एक क्लियर ब्रेकआउट दिख रहा है। सो ज़्यादातर जितने भी स्टॉक्स रिकमेंडेड करे गए हैं सारे हेड एंड शोल्डर पैटर्न के बने हुए हैं। अब अगर हेड एंड शोल्डर पैटर्न सक्सेसफुल होता है, सारे ट्रेड सक्सेसफुल होते हैं गाइस, तो हम लोग हेड एंड शोल्डर पैटर्न के ऊपर एक स्टडी डेफिनेटली करेंगे। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। अब बात करते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की, बट अगर उससे पहले अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, पॉज करिए हमारे इस वीडियो को और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे इस चैनल को अगर आप लोग ऐसी और वीडियोस रेगुलर बेसिस पे देखना चाहते हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी की बात करते हैं और किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। सो हम लोग अपने निफ्टी के चार्ट सेटअप पे आ चुके हैं। निफ्टी के चार्ट सेटअप पे अगर आप लोगों को देखना है कल क्या हुआ, कल ये एक राइजिंग वेज के अंदर काम कर रहा था, उसके बाद एक ब्रेकआउट आया, ब्रेकडाउन आया 1 बजे के करीब, जब ये ब्रेकडाउन आया तो एक शार्प फॉल आई है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो 100 पॉइंट की एक फॉल आई है, इस पर हम लोग ट्रेड ही नहीं कर पाए बिकॉज हम लोगों को कंफर्मेशन की नीड थी। उसके बाद छोटा सा ऊपर गया, दोबारा एक शार्प फॉल आई, सो यहाँ पर ऑलमोस्ट 200 पॉइंट की करेक्शन विद इन आर आ गई थी, तो यहाँ पर ट्रेड करना थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो गया था बिकॉज मैं कन्फर्मेशन के बिना ट्रेड नहीं करता, तो ये पूरी मूवमेंट को मैं कैप्चर कर सकता था बट मैंने इसीलिए नहीं करा बिकॉज यहाँ पर एक अप ट्रेंड के अंदर स्टॉक था और यहाँ पर मल्टीपल सपोर्ट्स थे जहाँ पर ये पर्टिकुलर इंडेक्स रुक सकता था। सो कोई बात नहीं, हमें कोई भी ट्रेड नहीं मिला। इसके बाद जब यहां से इसने अपमूव करना स्टार्ट करी, ये वाली कैंडल से आज ओपनिंग हुई, कंटिन्यूसली ऊपर गया है और बिल्कुल रेंज के अंदर काम कर रहा है, साइडवेज
टू अप ट्रेंड। सो यहाँ पर बिल्कुल एक रेंज के अंदर काम करा, तो किसी ने भी अगर बाइंग करी होगी कोई भी ऑप्शंस पे, तो आई डोंट थिंक यहाँ पर किसी का पैसा अच्छे से बना होगा। अगर कोई लोग 2-3 रुपये 4-5 रुपये लेकर निकल रहे होंगे ऑप्शंस पे, तो उनकी अलग बात है, बट एक क्लियर पैसा यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं बना होगा। सो अगर किसी ने ऑप्शन सेलिंग करी होगी या तो 15,700 की पुट बेची होगी, तो उन्हें पैसा मिल चुका होगा। अब करना क्या है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अब देखिएगा, ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल दिख रहा है, एक स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल है। सो हो क्या सकता है, अगर आप लोग पहले देखेंगे, ये जब ये तीन फॉल आया, ये तीन फॉल आने के बाद स्टॉक ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद यहीं पर इसने रेजिस्टेंस लिया, इसी के टॉप पे इसने रेजिस्टेंस लिया और एक शार्प फॉल आई। सो क्या हो सकता है कि ये हल्का हल्का ऊपर जाए, कल 40-50 रुपये ऊपर जाए, उसके बाद यहीं पर ही, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल है तो उसको ब्रेकआउट देना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। हो सकता है यहाँ पर ऊपर आए, एक डबल टॉप क्रिएट करे, उसके बाद दोबारा नीचे आ जाए। सो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। सो हम लोग क्या करेंगे, हमें 15 मिनट की दो कैंडल का ब्रेकआउट चाहिए, 15 मिनट की दो कैंडल चाहिए, एक कैंडल से काम नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि अगर 15 मिनट की कैंडल का ब्रेकआउट आता भी है तो हम लोगों को आरएसआई को चेक करना है। तो मैंने आप लोगों के लिए एक आरएसआई यहां पर बना के रखी हुई है, ठीक है। आपको क्या करना है मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है। जब इसका एक ब्रेकआउट होगा ऊपर की साइड में, तो आरएसआई पे आप लोगों को चेक करना है कि इस लेवल के ऊपर क्या आरएसआई निकलना स्टार्ट कर रहा है। देखिएगा, इस ब्लैक कलर की लाइन, मतलब 68-69 के ऊपर अगर आरएसआई निकल रहा है, जब ये ब्रेकआउट दे रहा है, तब हम लोग मान के चल सकते हैं कि शायद ये ब्रेकआउट सस्टेनेबल हो सकता है। बट अगर आरएसआई इसके नीचे और ब्रेकआउट हो रहा है, तो यहाँ पर एक बियरिश डाइवर्जेंस देखने को मिल सकता है। और कोई भी आप लोगों को एक इंडिसाइसिव कैंडल, एक डोजी और एक रेड कैंडल दिखे, तो आप लोग शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं इंडेक्स के अंदर। बाय करने की सलाह कल के ट्रेडिंग सेशन पे बिल्कुल भी नहीं है, शॉर्ट करने की सलाह भी अभी आप लोगों को दी जाएगी जब यहाँ पर एक इंडिसाइसिव कैंडल दिखेगी, या फिर जब ये रेड कलर की लाइन ब्रेक डाउन होगी। तो आप लोगों को शॉर्ट करना है जब 15,690 का लेवल ब्रेक होगा, तो आप लोग शॉर्ट कर सकते हैं। यानी कि अगर 15,800 का लेवल ब्रेक होगा, तो आपको पहले कंफर्मेशन की नीड होगी, तो आप लोग ट्रेड कर सकते हैं। अगर कल ये मॉर्निंग सेशन पे ही होता तो मैं आप लोगों को बता दूंगा लाइव वीडियो पे, बट अगर बाद में होता है तो आप लोगों को मैं टेलीग्राम पे कोशिश करूंगा बताने की। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। सो हम लोग अपने बैंक निफ्टी के ट्रेडिंग सेटअप पे आ चुके हैं। सबसे पहले अगर आप लोग देखेंगे तो ये एक डाउन ट्रेंड चैनल आपको दिख रहा है। एक डाउन ट्रेंड चैनल पे जब ये ट्रेड कर रहा था बैंक निफ्टी, तो आज लास्ट आर पे हम लोगों ने 15 आधे घंटे पे एक ब्रेकआउट देखा इस चैनल का। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, इस चैनल का यहाँ पर एक ब्रेकआउट आया, इट्स अ वेरी गुड साइन। बट मैं बाय क्यों नहीं करूँगा, मैं आज सोच रहा था कि मैं लास्ट आर पे से बाय करते हुए चलूँ, मैंने क्यों बाय नहीं करा, बिकॉज आफ्टर अ लॉन्ग कैंडल, आफ्टर अ वेरी लॉन्ग कैंडल, अब यहाँ पर एक मल्टीपल रेजिस्टेंस है। ये देख रहे हैं, ये एक छोटा सा हर्डल यहाँ पर मुझे देखने को फेस करने को मिलेगा। सो मतलब ये 50 रुपये ऊपर है, तो मेरे हिसाब से मुझे बाइंग करने की ज़रूरत नहीं थी। सो यहाँ पर अब आप लोगों को क्या करना है, क्या आप लोगों को अभी बाय कर लेना है? बिल्कुल भी नहीं। कल अगर ये 35,200 के ऊपर 15 मिनट की कैंडल ब्रेक करती है, आप लोग बाय कर सकते हैं। अगर 15 मिनट की एक कैंडल सस्टेन करती है 35,200 के ऊपर, हम बाय करके चल सकते हैं। हमारा टारगेट होगा 35,330 से लेके 35,360 का। क्यों? लेवल वो फाइंड कराए। अब आप देखिएगा, ये कंटिन्यूसली लोअर लो लोअर हाईस फॉर्म कर रहा है, अपने प्रीवियस हाईस को ब्रेक नहीं कर रहा एंड अपने लोस को ब्रेक कर रहा है। सो मतलब एक डाउन ट्रेंड चैनल के अंदर काम कर रहा है। क्या डाउन ट्रेंड चैनल खत्म हो चुका है? अभी भी नहीं खत्म हुआ। क्यों नहीं खत्म हुआ? इसने अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करा? बिल्कुल भी नहीं करा। अभी तो चैनल का ब्रेकआउट दिया, प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं करा। तो जो ये ट्रेंड बियरिश ट्रेंड था, बियरिश ट्रेंड अभी बुलिश ट्रेंड में कन्वर्ट नहीं हुआ, तो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी की सेलिंग अभी भी आ सकती है। ठीक है, होने को यहां पर आ जा सकती है सेलिंग, बीच में भी कहीं पर सेलिंग आ सकती है अपने प्रीवियस हाई को अगर ब्रेक ना करना चाहे। सो इट्स अ वेरी रिस्की ट्रेड फॉर अ बाय साइड इन बैंक निफ्टी। सो बट हम लोग ट्रेडिंग करने की कोशिश करेंगे एक छोटा सा रिस्क लेके कल के ट्रेडिंग सेशन पे, मैं पर्सनली खुद करूंगा। सो यहाँ पर इसका ब्रेकआउट होता है तो बाइंग कर सकते हैं, बट आपको इस पूरे लेवल के लिए होल्ड नहीं करना। अभी जो लेवल निकल के आ रहा है, जो प्रीवियस स्विंग हाई है, दैट इज 35,360। हम लोग 35,320 के आसपास एग्जिट कर लेंगे। 100 पॉइंट 120 पॉइंट्स इन बैंक निफ्टी इज इनफ फॉर अस। ठीक है, या तो हम लोग एक पुट सेल करके चल लेंगे, जो हमें कन्फर्मेशन एक सेफ साइड दे सकता है। ठीक है, दूसरी बात होता है कि होता क्या है कि अगर यहाँ पर कहीं एक रिवर्सल साइन आता है, फॉर एग्जांपल
ये ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, हम लोगों ने बाय कर रखा है। बट इवेंचुअली हम लोग देखते हैं इस वाली कैंडल, इस ब्लैक लाइन के नीचे 15 मिनट की कैंडल क्लोज हो जाती है, तो देर इज अ सिग्नल कि अभी भी अपने बियरिश ट्रेंड को कंटिन्यू रख रहे हो और नीचे आ सकता है। सो वहां पर हम लोग अपना लॉस बुक करके एक बियरिश साइड पे एक ट्रेड लेकर चल सकते हैं या वहां पर एक स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। सो कल अगर स्टार्टिंग पे ही हो जाता है ये सारी चीजें तो आप लोगों को लाइव मार्केट पे पूरा एक्सप्लेन कर दिया जाएगा, ठीक है। सो यू डोंट हैव टू वरी। बट अगर इसके ऊपर निकल जाता है तो हम लोग मान के चल सकते हैं कि बियरिश ट्रेंड से एक बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू हो चुका है। सो सारी बातें करेंगे कल के ट्रेडिंग सेशन पे। गाइस थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी, लिसनिंग दिस होल वीडियो। अगर आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, प्लस इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो पे। मैं शिवांश भसीन, साइनिंग ऑफ, बाय बाय।